और आप ई समाचार देख रहे हैं, मैं हूँ एलडी स्वामी और इस वक्त हम जो खड़े हैं ये ममेरा चौक है और इधर एलाहाबाद को जो है 30 गांव इधर जोड़ते हैं, छोटी ममेरा बड़ी ममेरा सहित आगे मूसली सहित जो है मलेका तक जो है गांव एलाहाबाद को जोड़ते हैं। और हम बाईपास की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सिरसा को हनुमानगढ़ से टिब्बी होते हुए जोड़ता है और डवाली को भी इसी रास्ते से जोड़ता है और डवाली बाईपास भी ये रोड है। और यहाँ पर आए दिन जो है हादसा होता है ओवर स्पीड की वजह से और जो क्रॉस है यहाँ पर जो बना हुआ है, यानी कि जो चार रास्ते यहाँ से बनते हैं, डबली रोड सीधा जाता है आपका तस्वीरों में देख सकते हैं और कई गांवों का रास्ता जो है बाज़ार की तरफ इधर मुख्य बाज़ार की तरफ जाता है ममेरा रोड को, तो यहाँ पर जो है बहुत भारी डिमांड है ब्रेकर की, स्पीड ब्रेकर जो है बनने चाहिए चारों तरफ ताकि साधनों की रफ्तार जो है कम हो और हादसे से जो है लोगों की और जो सफ़र करने वाले हैं उनकी जान बच सके। 3-4 दिन पहले ही यहाँ पर एक बड़ा ही सड़क दुर्घटना हुई थी, दो कारें जो आपस में टकराई थी और हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। आज फिर एक ट्रक ने जो है कार को जो है टक्कर मार दी और ये सब कुछ जो है ओवर स्पीड की वजह से होता है। और यहाँ पर चार रास्ता है और जो अनजान व्यक्ति है शहर से बाहर का है वो यहाँ आता है तो यहाँ उनको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, कभी भी कोई भी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। तो प्रशासन से मांग है कि यहाँ पर जो है स्पीड ब्रेकर बनाए जाए। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, किस तरह का माहौल है यहाँ पर, मतलब साधन जो है काफ़ी स्पीड से आते हैं? सबसे पहले तो आपका यहाँ तक इस चौक में खबर लेने आने का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी शॉप इस चौक में 2006 से है जी, मेहता म्यूजिक सेंटर नाम से मेरी इस चौक के अंदर कॉर्नर की शॉप है। ये रोड है ना जो मेरे ख्याल से दिल्ली हिसार रोड है ना, उससे भी ज़्यादा ये चौक बिजी रहता है जी। हर सेकंड एक साधन की एवरेज आती है, आप यहाँ खड़े होकर 10 मिनट रुक के देखो, पैदल पार नहीं किया जाता है जी। जो ममेरा से और मल्लेका से जो सिंगल रोड बाज़ार की तरफ एंट्री करता है तो ये सिंगल रोड होने के कारण ना स्पीड इन साधनों की ज़्यादा चौक आ गया जी। और हर दिन 2 से 3 एक्सीडेंट की एवरेज आती है जी इस चौक के अंदर। हम तो यही डिमांड करेंगे सभी मार्केट वाले भी, यहाँ स्पीड ब्रेकर है ना जो सिंगल रोड पे जी शहर की तरफ और ममेरा की तरफ जी, ताकि साधन कंट्रोल ओवर स्पीड ना हो और किसी का जानी माली नुकसान ना हो जी। हम तो सरकार से यही हाथ जोड़ के अपील करें। इसके अलावा इस चौक में और क्या समस्या है? एक ये जो मेरे ख्याल से 8 से 10 लाख रुपए लगा के ये जो स्ट्रीट लाइट सरकार द्वारा लगाई गई है, अगर इनको जलवाना ही नहीं है, चलाना ही नहीं है तो लगाने का भी क्या फायदा है? इसको कम से कम बंद हो, 6 से 8 साल हो गए हैं जी। हम तो यही अपील करेंगे चौक में ये लाइटें जलाई जाएं और रोशनी। एक और अपील करूंगा, सबसे बिजी शेड्यूल का ये चौक है, इसमें एक तो टॉयलेट बाथरूम सरकार की तरफ से जी सार्वजनिक होना चाहिए, एक ब्रेकर हो गया, एक स्ट्रीट लाइट होगी जी, एक और इसमें साइन बोर्ड वगैरह भी, साइन बोर्ड और एक ना यहाँ कैमरे भी लगने चाहिए जी, क्योंकि बाहर से आने वाले साधन कल को कोई वारदात करके निकलता है तो पुलिस को भी इसमें सहायता मिल सके पकड़ने के लिए। तो इस चौक में कैमरों की भी बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है जी, अगर सरकार इस पर काम करती है तो हम उनके सदा के लिए आभारी रहेंगे। ये थे हमारे साथ स्थानीय दुकानदार जिन्होंने जो है इस चौक की जो है मुख्य समस्या बताई और मांग बताई। आपने ये लाइट भी देखी जो काफ़ी समय से लगी हुई है और काफ़ी खर्चा इस पर सरकार का और जनता का हुआ है लेकिन जल नहीं रही है। यहाँ पर पूरा अंधेरा छाया रहता है, पूरे दिन पूरी रात जो है अंधेरा छाया रहता है यहाँ पर और उसकी वजह से भी दुर्घटनाएं होती है। और काफ़ी जो है ये व्यस्त चौक माना जाता है, काफ़ी व्यस्त रहता है और इसकी वजह से यहाँ पर जो है स्पीड ब्रेकर अति आवश्यक है। और इसके अलावा जो है साइन बोर्ड भी प्रशासन को यहाँ पर लगाने चाहिए। और इसके अलावा जो यहाँ पर स्थानीय दुकानदारों की एक और डिमांड है कि यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय भी बनाया जाए ताकि लोगों को सुविधा रहे। और CCTV कैमरों की भी डिमांड है क्योंकि काफ़ी व्यस्त चौक है और जो बाहर से आने वाले हैं और सुरक्षा बनी रहेगी और जो पुलिस प्रशासन है उसको भी मदद इससे मिलेगी। आप ये वीडियो ई समाचार पर देख रहे थे, मैं हूँ एलडी स्वामी, धन्यवाद।